सुप्रभातम बच्चों, आज हम एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी अनुभवात्मक गतिविधि में आपका स्वागत करते हैं। आज हम चित्र वर्णन करते हैं। चित्र, मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी और उस चित्र से आप वस्तुओं को ढूंढेंगे और उनका संस्कृत में नाम लिखेंगे। अभी आपकी कक्षा छोटी कक्षा है, छठी कक्षा है। इस कक्षा में हम चित्र का वर्णन शब्दों के माध्यम से करेंगे। हम चित्र देखेंगे और उसमें से देखेंगे क्या क्या बना हुआ है, जैसे वृक्ष बने हैं, जैसे पशु पक्षी बने हैं, तो उन पशु पक्षियों का नाम संस्कृत में लिखेंगे और चित्र का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। चित्र वर्णन करने से पहले हमने ये देखना है ये चित्र कहाँ का है। उसके बाद चार पांच वस्तुओं की पहचान करेंगे। जैसे इस चित्र में पेड़ दिख रहा है, नदी है, पक्षी हैं, पुष्प हैं, हम इनका संस्कृत के शब्द ढूंढेंगे और उन शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। चित्र भी बनाएंगे और लिखेंगे भी। अगर आप इसको और अधिक अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से ब्लैंक देंगे, इदम चित्रम, ये चित्र किसका है, इस चित्र में क्या है, और उसी प्रकार से वर्णन करते हुए जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रही हूँ। जैसे इदम चित्रम, तो आपने लिख दिया वनस्य अस्ति, अस्मिन चित्रे सिंहः अस्ति, अस्मिन चित्रे वानरः अस्ति, अस्मिन चित्रे वृक्षः सन्ति। सन्ति का प्रयोग तब करेंगे क्योंकि सन्ति बहुत सारे हैं। अब आप इस चित्र को देखकर इसका वर्णन उत्तर पुस्तिका में करना, इसके वाक्य भी बनाना। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो। तो इस प्रकार बच्चों, अब आप अपने आसपास देखना, अपना कमरा, कमरे की वस्तुओं के बारे में लिखने का प्रयास करना। उसके बाद हम AIS कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।